आज मैं बहुत ज्यादा हाय हेलो के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, और क्यों नहीं हूँ ये मैं अभी आपको बताऊंगी आगे की वीडियो में। और वीडियो आज की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको आज एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे आप जानते ही हैं कि समर्स हैं, तो गर्मियों के सीजन में आपके बच्चे या बड़े भी हम सभी मतलब नहर पर या नदी पर नहाने के लिए चले जाते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वहां पर काफी भीड़ भी रहती है और कुछ गोताखोर भी होते हैं और काफी बच्चे बहुत अच्छे से तैर भी लेते हैं और अपनी एक होता ना कि बचाव भी करके चलते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए एक मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आप जब भी कभी ऐसी किसी जगह पर जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहिएगा, अकेले बिल्कुल मत जाइएगा। अभी लास्ट फ्राइडे को मेरे हस्बैंड के साथ, उनके एक स्टाफ मेंबर के साथ यानी कि उनके ऑफिस में एक दुखद घटना हुई है। काफी शायद ये नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बट मुसीबत कभी भी बताकर नहीं आती है। जैसा हुआ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली उनके हस्बैंड थे, वो दोपहर के वक्त में घूमने के लिए गए हुए थे नहर पर, और नदी या जिस तरह नहर आपके शहर में भी होगी ऑफकोर्स आप जानते होंगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, और हमारे शहर में भी है नहर और काफी दूर तक है ये नहर, काफी लंबी मतलब नदी है या नहर आप जो भी कह सकते हैं। तो वहां पर वो घूमने के लिए गए हुए थे, लेकिन शाम को 6 से 7 बजे के बीच जब मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से घर पहुंचे तो उनके फोन पर उनके एक फ्रेंड का फोन आया कि ऐसे से जो उनकी एक स्टाफ मेंबर थी, उनके हस्बैंड दोपहर से लापता हो गए हैं, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है, और ऐसे मतलब वो नहर पर घूमने के लिए गए थे या नहाने के लिए गए थे तो वापस नहीं आए अभी तक भी और उनका कुछ पता नहीं चला है। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि हो सकता है शायद मतलब अब समझ सकते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, अब समझ सकते हैं मैं क्यों नाम नहीं ले रही हूं। तो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और उनके एक सबसे बड़ी दुखद बात जब ये थी कि उनके फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी ये मालूम नहीं था कि वो दोपहर के वक्त इस तरह से घूमने के लिए निकले हैं, और किसे पता था कि वो वापस भी नहीं आएंगे। तो मैं फ्रेंड आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि आपने कहीं अगर बाहर जाना है घूमने के लिए जाना है तो आप अपने पेरेंट्स को बता कर जाइएगा, अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करके जाइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। और पेरेंट्स भी इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें कि अगर वो अपने बच्चों को इस तरह से अगर भेज रहे हैं तो उनके फ्रेंड्स के फोन नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह उनके पास नोट हो, वो एक अपने पास रखें, उसे संभाल कर उन सब चीजों को, और जिससे उन्हें पता रहे कि वो किसके साथ हैं। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और आगे किसी और के साथ भी ना हो। तो मैंने आज आपको यही एक अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाई है छोटी सी, कि हमें कभी भी बिना बताए अपने पेरेंट्स को या बड़ों को भी नहीं जाना चाहिए घर से, हमेशा उन्हें बताकर, या मतलब मैं आपके लाइफ पार्टनर की भी बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि जब भी आप कोई बड़ा हो या छोटा हो तो हमेशा अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके जरूर जाइएगा या अपने किसी फैमिली मेंबर्स को आप। तो जब भी आप अपने बच्चों को अगर किसी के साथ भेजते हैं ऐसे उनके दोस्तों के साथ, तो कोशिश कीजिए कि आप उनके फ्रेंड्स के फोन नंबर एड्रेस वगैरह सब कुछ नोट कर रखें, क्योंकि ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कहने में शायद छोटी हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं आपको यही कहना चाहूंगी एंड में कि फ्रेंड्स, जब भी आप अपने किसी फ्रेंड के साथ इस तरह से घूमने के लिए जाते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बताकर जाइए, अपने फैमिली मेंबर्स को बताकर जाइए, छुपाकर बिल्कुल मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप अपने बच्चों को अगर ऐसी किसी जगह पर भेजते हैं तो उनके फ्रेंड्स के फोन नंबर वगैरह के एड्रेस वगैरह आप हमेशा अपने पास नोट कर रखें डायरी में, जिससे टाइम आने पर आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकें, या ऐसी कुछ अगर भगवान न चाहे कि कभी ऐसा कुछ हो तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकें। और मैं एक बात और आपको और बताना चाहूंगी गाइस, कि कभी भी आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह से नहर पर या घूमने जा रहे हैं तो प्लीज नहाने के लिए तो नहर पर बिल्कुल बच जाइएगा, और अगर आप जा भी रहे हैं तो प्लीज ऐसी किसी जगह पर जाइए जहां पर सेफ्टी हो, जहां पर आप सेफली मतलब अपने आप को महसूस करें, और जहां पर भीड़ भाड़ भी हो तो कोशिश कीजिएगा ऐसी किसी जगह पर जाइएगा, और स्विमिंग अगर आपने करनी जानी भी है तो आप किसी सेफली जगह पर जाइएगा जहां पर एटलीस्ट आप किसी को, भगवान ना करे अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप किसी को आवाज लगा सकें। और कोशिश कीजिएगा कि हमेशा सेफ्टी जहां पर हो वहीं पर जाइएगा जहां पर सुरक्षा के सारे इंतजाम हो। और सेकंड मैं एक और चीज कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि सभी कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो भी हैं या बॉयज हैं,
मैं उन सभी से ये कहना चाहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स को झूठ बोलकर या छुपा कर उनसे बिना बताए कभी भी कहीं मत जाइएगा बाहर। देखिए आज के टाइम में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें ये चीज़ें बहुत ही छोटी सी लगती है, मामूली सी लगती है, लेकिन बहुत बड़े इसके फायदे होते हैं अगर आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर जाते हैं। और अगर आप नहीं बताते हैं तो गाइस अपनी फैमिली के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा कि आपके ना होने पर आपकी फैमिली को कैसा महसूस होगा और आपकी फैमिली कितने बड़े दुख में घिर जाएगी। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ही अवेयरनेस के बारे में कुछ चीजें बताना चाहती थी। होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा।